वेलकम टू लाइनस टू व्हीलर बाइक सर्विस। आपने तो बहुत सारी सर्विसिंग किया होगा, सर्विसिंग सेंटर में और लोकल शॉप में भी, लेकिन हम कुछ डिफरेंट करने वाले हैं, कुछ डिफरेंट तरीके से काम करने वाले हैं। इसमें बाइक का परफॉर्मेंस सबसे बढ़िया रहे, एट द टॉप एंड रहेंगे। आज हम इस ड्यूक 200 का टोटल कंज्यूमेबल आइटम को हम चेक करेंगे, इसका प्रीवियस सर्विस रिकॉर्ड चेक करेंगे। सब कुछ इंस्पेक्शन करने के बाद हमने काम शुरू किया है इसका। तो सर्विस में हम इसको ऑल टोटल चीज़, जो एयर फिल्टर, ऑयल फिल्टर, ड्राइव चेन का स्लैगनेस और भी बहुत कुछ हम चेक करेंगे इसका। तो आप देखिए, वीडियो में बने रहिए। हमारे पास जो कोई भी बाइक आता है, हम जो कोई भी बाइक का भी काम करते हैं, जो कंज्यूमेबल आइटम है उसको ऑल टाइम जेन्युइन ही प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि इसका बाइक का लाइफ ज़्यादा रहता है। ये कंपनी OEM के मैन्युफैक्चरर वही ज़्यादा अच्छे से समझ पाता है बाइक को। और इस बाइक का एयर फिल्टर बहुत ही गंदा निकला, इसकी वजह से उसका माइलेज बहुत सारी ड्रॉप हो गया था और इसका पावर भी ठीक से नहीं आ रहा है। तो इसमें बहुत सारी दिक्कत आता है कि इसका एयर फिल्टर अगर बहुत चोक हो जाता है तो इसमें उसका एयर फ्यूल मिक्सर ठीक से नहीं बनेगा, मतलब एयर कम जाएगा, तो इससे पार्ट का वेयर एंड टियर ज़्यादा हो जाता है। इसलिए इसको ध्यान रखने का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वाइटल पार्ट है KTM का। ऐसे तो इन बाइकों में रियर व्हील का खोलने का कोई ज़रूरत नहीं होता है, फिर भी हम चेक कर लिया। हम इसमें NLGI 3 ग्रेड का ग्रीस यूज़ करके इसको फिर से लगा देंगे, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। आपको हमारा काम अच्छा लगे तो आप विजिट कर सकते हैं हमारे वर्कशॉप पे, जो हमारे पास काम करने के लिए। KTM में कम से कम आपको पेट्रोल जो फिल्टर होता है ना टैंक के नीचे, और एयर फिल्टर, दोनों को दो सर्विस में कम से कम एक बार चेंज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें जो कन्वेक्शनल स्पार्क प्लग था उसको हम अपग्रेड करके नए इरिडियम स्पार्क प्लग में कन्वर्ट कर देंगे, तो इसमें कस्टमर का थोड़ा इंस्टेंट पिकअप भी बढ़ जाएगा और माइलेज भी थोड़ा आ जाएगा, टोटल एक्सपीरियंस ही चेंज हो जाएगा। इतना सब कुछ करने के बाद हमारा बहुत सारा टाइम चला जाता है एक सर्विसिंग में, इसलिए हमारा कॉस्ट भी थोड़ा ज़्यादा हो जाता है और हम चीपर कोई काम नहीं करते। सो आप आपका टाइम निकालें और हम हमारा काम करते जाएंगे। सो थैंक यू।